Hi guys, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, for today's video, मैं आपके लिए आज यो हॉल लेकर के आई हूँ. आज मैं आपके साथ कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ. सारे ही कुर्ता सेट्स की क्वालिटी टॉप नॉच है. आपको डेफिनेटली सारे ही कुर्ता सेट्स पसंद आने वाले हैं. सो अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए एंड अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आज ही उसे काफी सारे हॉल वीडियोस लाती रहती हूँ अपने चैनल पर. एंड अगर आप मुझे काफी टाइम से देख रहे हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो आपने मेरे रिकमेंडेशन पर क्या खरीदा. सो जिससे मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ आप मेरी रिकमेंडेशन पर कुछ खरीदते हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो जो फर्स्ट कुर्ता सेट है उसका पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ये प्राख्या ब्रांड से है जो कि मैं काफी दिनों से विश लिस्ट करी हुई थी. एंड मैं इसको इसलिए परचेज नहीं कर रही थी क्योंकि इसको मैंने एक बार 900 रुपीज का देखा था, उसके बाद ये 1500 का मिल रहा था एंड कभी भी 900 का हुआ ही नहीं. सो अभी जो सेल आया था लास्ट टाइम उस पर ये 900 का मिल रहा था तो मैंने तुरंत ही इसको बाय कर लिया. एंड 6 मंथ्स हो गए होंगे इसको विशलिस्ट करे हुए, तब से ही ये 1500 से नीचे जा ही नहीं रहा था. जैसे ये 900 का हुआ मैंने पिक कर लिया. सो ये काफी पसंद भी आया है मुझे, बट उसमें देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे जॉर्जेट फैब्रिक हो एंड वो थोड़ा सा ज्यादा खिला खिला लग रहा था, बट सामने से इतना ज्यादा खिला खिला नहीं आया है. थोड़ा ये डल लग रहा है सामने से देखने में. प्रिंट्स वगैरह सेम ही है बट उसमें देखने में जॉर्जेट फैब्रिक लग रहा था. सो इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन. ऐसे इसका नेकलाइन है, कॉलर नेक है, सेमी कॉलर मिलता है एंड की होल मिल जाता है. इस तरह से पैच वर्क करा हुआ है. स्लीव्स आप देख सकते हो प्रिंटेड है एंड जो यहाँ पर है ना थोड़ी सी प्लीट्स हैं जिससे इसका जो लुक है वो ए लाइन में आता है. सो पीछे से कुछ इस तरह से इसमें पैच वर्क टाइप में दिया, जैसा कि इसमें आगे से पैच वर्क है वैसा ही सेम पीछे भी पैच वर्क करा हुआ है. इसका जो कलर है ना डार्क ब्लैक कलर नहीं है, इतना ज्यादा डल भी नहीं बोलेंगे बट एकदम जेट ब्लैक नहीं है. इस तरह से आपको प्रिंट्स मिल जाएंगे एंड ये बॉर्डर मिल जाएगा. नाउ मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये लुक कैसा रहा. काफी अमेजिंग लग रहा है ये पहनने में, इसका लुक काफी अच्छा है एंड इसका फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आया है मुझे. रेयॉन फैब्रिक है, यहाँ पर आपको इस तरह से पैच वर्क मिल जाता है. पैच वर्क है वैसी ही स्लीव्स दी हुई है एंड यहाँ पर बॉर्डर टाइप में डिजाइन बनाया हुआ है. ये सारे प्रिंट्स हैं एंड ये सेमी कॉलर मिलता है, की होल मिल जाता है एंड आपको यहाँ पर बेल्ट मिलती है जिससे आप इसको टाई अप कर सकते हो. बट मुझे इसका फिटिंग इतना ज्यादा परफेक्ट आया कि इस बेल्ट की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा टाई अप कर लोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा. एंड आप देख सकते हो काफी खिल भी रहा है पहनने पर, मुझे तो ओवरऑल काफी अच्छा लगा. कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, प्रिंट्स भी काफी अमेजिंग है एंड नीचे आप देख सकते हो इस तरह से डिटेलिंग दी हुई है कुर्ते के नीचे एंड बीच बीच में आपको इस तरह से प्रिंट्स मिल जाएंगे एंड साइड में बॉर्डर लगा हुआ है. सो ओवरऑल इसको बनाया इन्होंने काफी अमेजिंग है, लुक डिफरेंट है अदर कुर्ता सेट से. एंड गाइस इसका जो बॉटम है ना वो आपको फुल्ली इलास्टिकेटेड मिलता है एंड ये ब्लैक पैंट्स हैं जो कि बेसिक से पैंट्स आते हैं ना सेम वही है, रेयॉन फैब्रिक में है. पॉकेट्स नहीं है इसमें बट इसका जो बॉटम है ना वो थोड़ा सा टाइट है. मुझे ऐसा होता है किसी किसी का कुर्ते का फिटिंग अच्छा आता है तो बॉटम का खराब आता है. थोड़ा सा बॉटम मुझे टाइट हो रहा है, अदरवाइज सही है पूरा एंड इतना ज्यादा टाइट नहीं है, जस्ट लिटिल बिट अनकंफर्टेबल लग रहा है. एंड इसकी जो लेंथ है वो आप मेरे ऊपर देख लेना, मेरी हाइट 5'2" है. सो सारे ही आउटफिट्स के लिए आप उसी तरीके से कंसिडर कर लेना. एंड इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से शिफॉन में दिया, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें आपको बॉर्डर भी दिया हुआ है इस तरह से. सो इसमें आपको इस तरह से बॉर्डर भी दिया हुआ है जो कि काफी अमेजिंग लगता है. सो आप बताओ आपको कैसा लगा, मुझे तो काफी पसंद आया एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ. ट्राई ऑन में चेक कर लेना कैसा लग रहा था. शिफॉन काइंड ऑफ अ फैब्रिक है इसका जो दुपट्टे का एंड ये बॉर्डर मिल जाता है चारों तरफ से एंड दोनों तरफ इस तरह से ये टैसल हुए हैं. सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ. मुझे तो अच्छा लगा है ये वाला कुर्ता सेट. 900 के अकॉर्डिंग वर्थ इट है बट अगर 1500 रुपीज का होता तो मैं ना ली थी इसको. नाउ नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ कुर्ता सेट. इसमें मेरे साथ थोड़ा सा इशू हो गया. मैंने सोचा था पिक्चर देखकर कि ये फुल कुर्ता सेट आएगा बट इसमें आपको 2-पीस सेट मिलता है, एक कुर्ता एंड एक दुपट्टा, बॉटम नहीं मिलता है. एंड ये जो कुर्ता है ये ए लाइन में है, प्योर कॉटन है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अमेजिंग क्वालिटी का इसका कॉटन का फैब्रिक है. इस तरह से आपको राउंड नेक मिलता है, स्लीव पर इस तरीके से सिंपल सा बॉर्डर लगाया हुआ है. सो ओवरऑल समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एकदम सूदिंग सा लगता है ये वाला फैब्रिक देखने में. फुल कुर्ते में आपको बीच में फैब्रिक की डिटेलिंग मिल जाती है इस तरह से. नाउ मैं आपको ट्राई ऑन में दिखाती हूँ एक्चुअल में ये लग कैसा रहा. सो गाइस ये कुर्ता सेट काफी अमेजिंग लग रहा है देखने में बट ये मुझे लूज बहुत ज्यादा है, यहाँ कंधे से भी गिर रहा है एंड यहाँ से भी बहुत ज्यादा लूज आया है. आई डोंट नो, शायद से मैंने गलत
साइज ऑर्डर कर दिया, जो भी हुआ होगा मैं यहाँ साइज मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। सो ये मुझे लूज है एंड ये 2/4 काइंड ऑफ स्लीव मिलती है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इस तरह से आपको ये पैच वर्क टाइप में मिल जाता है, बीच में पूरे कुर्ते पर इसी तरह से है एंड ये ए लाइन में कुर्ता है, इसलिए ज्यादा लूज लग रहा है, क्योंकि अगर साइड स्लिट के साथ होता तो भी थोड़ा बहुत वो सही फिटिंग आ जाता है, बट ए लाइन अगर ऐसा झोला सा आ जाए तो काफी बेकार लगता है। सो दैट्स वाई इसका फिटिंग मुझे अच्छा नहीं आया, बट इसका कलर काफी ज्यादा सूदिंग है, समर अप्रोप्रिएट है, कॉटन का फैब्रिक है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप अपना साइज सही ऑर्डर करोगे तो आपको काफी पसंद आएगा एंड मुझे तो अच्छा लगा है। एंड इसका दुपट्टा भी काफी अमेजिंग है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो काफी ऑफिस काइंड ऑफ अ लुक है इसका, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं ना तो आपके काफी काम में आएगा, इसी तरीके के सिंपल सूट्स अच्छे लगते हैं ऑफिस वेयर में। एंड ये कलर खिल भी रहा है, आप देख सकते हो। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो कुर्ते की क्वालिटी काफी अमेजिंग है, लेंथ आप मेरी देख लेना, मेरी हाइट 5'2" है। व्हाइट कलर के पैंट्स को आप इसके साथ पेयर कर सकते हो। एंड इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरह से है, जो की फुल्ली कॉटन है एंड ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला कॉटन है। एंड ये जो दुपट्टे का फैब्रिक है ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है कुर्ता सेट से एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला कॉटन है एंड प्रिंटेड है, जैसा कि कुर्ते पर प्रिंट्स बने हैं ना उसी तरीके से दुपट्टे पर दोनों तरफ आप देख सकते हो। एंड बॉर्डर कुछ इस तरह से दियो एंड ये आपको 2.25 मीटर के आसपास का दुपट्टा मिलता है, तो फैब्रिक में कोई भी कंजूसी नहीं करी है एंड क्वालिटी काफी अमेजिंग है। जस्ट इसमें पैंट्स और मिल जाते ना तो काम बन जाता, बट अगर आपके पास व्हाइट पैंट्स हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, काफी अमेजिंग लगेगा। नाउ नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ कुर्ता सेट। सो गाइस ये वाला कुर्ता सेट मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट अगर आपने नहीं देखा हो तो आप फिर से देख सकते हो, मैंने इसको वियर भी नहीं कराया अभी तक। सो ये मैंने अवासा मिक्स एंड मैच अवासा सेट्स वाले कलेक्शन में से लिया है आज ही, ओके। सो ये काफी अच्छा कलर लगता है, आप देख सकते हो, ये कलर मुझे काफी पसंद है, इंग्लिश काइंड ऑफ अ कलर है, मुझे बेज कलर, ब्लैक कलर एंड इस तरह के कलर्स काफी पसंद आते हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हो ये सारा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड ये बटन डिटेलिंग है जो कि आपको इतनी ही मिलती है, ओपनेबल नहीं, इस तरह से प्रिंट्स हैं जो कि फेड नहीं होंगे, क्योंकि अवासा सेट से कभी भी फेड नहीं होते हैं, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। एंड ये स्ट्रेट कुर्ता है जो कि आपको साइड स्लिट के साथ मिलता है एंड आपको इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन भी मिल जाता है, इनकेस आपका यहाँ का कोई बटन निकल जाए तो आप उसको लगा सकते हो। 3/4 काइंड ऑफ स्लीव्स है, इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा मोटा है, विच मीन्स ये कभी भी फेड नहीं होगा, आर्ट सिल्क टाइप ऑफ अ फैब्रिक है जो कि आप देख सकते हो, थोड़ा शाइनी है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये जो प्रिंट्स है ये सेल्फ प्रिंट जरूर नहीं है, बट ये कभी फेड नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ, क्योंकि बट आप ऐसे रगड़ रगड़ के वॉश भी मत करना कि कुछ भी खराब कर लो, बट ऐसे खराब नहीं हो, इस तरह से आपको प्रिंट्स मिल जाते हैं। नाउ मैं आपको वेयर करके दिखा। सो गाइस आप देख सकते हो ये कुर्ता सेट भी काफी अमेजिंग लगता है, इसका लुक भी काफी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज्यादा सुपीरियर दिया हुआ है, ये प्रिंट्स कभी फेड नहीं होंगे, बटन डिटेलिंग कुछ इस तरह से जिस पर थ्रेड का काम करा हुआ है एंड इसका जो नेकलाइन ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड, कहीं से भी फेड तो वैसे भी होता नहीं है अवासा सेट्स में, बट यहाँ आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है। स्लीव्स कुछ इस तरह से है जो कि प्रिंटेड है, यहाँ पर बॉर्डर लगाया हुआ है। ऑल इन ऑल ये कुर्ता सेट काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। हाउ एवर मैंने इसको कभी पहना नहीं है, बट ये मुझे हमेशा से ही काफी ज्यादा पसंद है, जब से मैंने इसको खरीदा है मुझे तो काफी पसंद आता है ये वाला कुर्ता सेट। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आप बताओ आपको कैसा लगा। इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये एकदम सॉफ्ट, एकदम बहुत ज्यादा वेलवेटी सॉफ्ट होता है ना, उस तरह से इसका रेयॉन फैब्रिक है एंड इस तरह से आपको पजामा काइंड ऑफ लुक में मिलता है। नीचे आपको इस तरह से डिटेलिंग मिल जाएगी, फुल ट्राई ऑन में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रिंट्स काफी सही हैं एंड फुल्ली इलास्टिकेटेड मिलता है, सॉफ्ट फैब्रिक का प्लाजो है एंड ये दोनों आपस में काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि इस पर वाइट प्रिंट्स हैं। सो ये दोनों काफी अच्छा लगा था मुझे, ये खरीदा था जब मैंने, बट मैंने कभी पहना ही नहीं, पहन ही नहीं पाती हूँ मैं, बस खरीदती हूँ शौक से एंड मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको पिक कर लेती हूँ, बट उसको पहनने का मौका बहुत ही कम लगता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। सो गाइज दैट्स ऑल इस वीडियो में, मैंने आपके साथ यही 3 कुर्ता सेट शेयर करे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। मुझे तो ये सारे ही कुर्ता सेट्स काफी ज्यादा पसंद आए एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। आप बताना आपको कौन सा कुर्ता सेट पसंद आया एंड अगर आप लोग के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं काफी सारे आजियो हॉल्स लाती रहती हूँ एंड मीशो से भी शेयर करती हूँ। सो अगर आप लोग को आजियो या मीशो में कोई भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। एंड गाइस आपको नेक्स्ट हॉल वीडियो कौन सा देखना है, मीशो या आजियो, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।